सर ये आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया था इसको मैं चेक कर रहा हूँ, कभी मिलाने की गलती ना हो जाए। बात नहीं करेंगे, चेक करा मैंने इसको, क्योंकि जगह मिला है। वैसे भी आजकल जो है वो बहुत क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। आज आप लोगों ने रात में बीच में घटना सुनी होगी, जहाँ भी यूथ पॉलिटिक्स में आ रहे हैं उनको तमाम सारे दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो जेएनयू का यूथ हो, चाहे जिग्नेश हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे जहाँ भी हो, उनको एक तरीके से दिक्कतों का सामना करना मतलब एक साथ साथ सत्य बन चुका है। तो इस दौर में मैं यही चाहूँगा कि जहाँ भी पॉलिटिकल विवर्स हो रही है, राजनीतिक विवर्स हो रही है, वहाँ पे यूथ को कैसे जगह मिले और आपका सेंटिमेंट कैसे यूथ के साथ आता है, एक सवाल तो बनता ही है। जो लोग भी आ रहे हैं वो मतलब बहुत कोशिश के साथ आ रहे हैं। इस दौर में राजनीति मतलब हम लोग इतना अनुमान लगाया है कि पैसे के बदले होती है तमाम सारे चीज़ों, जब तक पैसे नहीं होगा, जब तक एक लंबा समीकरण नहीं होता है, एक जब तक आपका एक वंशवाद मतलब आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं हो, तब तक राजनीति नहीं कर सकते। तो हम लोग कैसे राजनीति में आ सकते हैं, इस समझ में जो हो रही है उस पर हम लोग विचार करना होगा कि हम लोग को कैसे स्थान दे सकते हैं। मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि इतने बड़े मन से मुझे बोलने का मौका दिया गया। एक सवाल और भी है कि इस दौर में जो एक हो रहा है, जैसे अगर होटल में काम जो कर रहे हैं वो लोग कौन है, जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं वो लोग कौन है, जो लोग अभी लगभग जो रोजगार की समस्या, जो यूथ की मुख्य समस्या है, उसको पूरे राजनीतिक विमर्श से गायब कर दिया गया है, तो कैसे उस रोजगार को समस्या, क्योंकि मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, यूथ को बहुत कुछ नहीं चाहिए, उनको एक रोजगार चाहिए। तो यूनिवर्सिटी से लेकर के पॉलिटिकल पार्टी के बीच में हर जगह पे रोजगार की समस्या को खत्म ही कर दिया गया, उनको पूरी तरीके से या तो राष्ट्रभक्ति पे पूरा विमर्श ला दिया गया है, या विश्वविद्यालय प्रशासन से बार बार लड़ना पड़ रहा है। जहाँ पे हमें रोजगार के लिए लड़ना चाहिए था, जहाँ पे हमें ऐसी शिक्षा के लिए लड़ना चाहिए, आज भी हम मंदिर और मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं। तो सोचना पड़ेगा कि अभी हमको किस रास्ते पे लड़वाना चाहते हैं हम, या हम मंदिर मस्जिद के ऊपर लड़े, या अच्छे विश्वविद्यालयों के लिए लड़े, या अच्छे हम हॉस्पिटल के लिए लड़े, या हम एक अच्छे जगह पे मतलब आपके बीच में जाए। एक और जो हमारे बीच में जो यूथ है उनसे भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स में जाएं, क्योंकि जब तक एक बहुत बड़ा समाधान आपके जाने से होगा कि लोकतंत्र में थोड़ा सा अगर विश्वास आप जताते हैं, तो वहाँ से हम लोग भी चाहेंगे कि यूथ अगर पॉलिटिक्स में आ रहा है तो एक लार्जर बदलाव देख सकते हैं। और जितनी भी प्रतिभागिता यूथ की ज़्यादा होगी तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि बहुत ज़्यादा बदलाव की संभावना है, वहाँ से आ सकते हैं। और लोकतंत्र से बड़ा रास्ता कोई नहीं है, हमारा संविधान जो है पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक है। लोकतंत्र में आइए, जहाँ भी चुनाव लड़ने का मौका मिले चुनाव लड़िए, अपने सवालों को उठाइए। आजकल चुनाव भी वही लड़ रहे हैं जिनके पिताजी चुनाव लड़ते हैं, तो आपको भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। जहाँ भी स्पेस मिल पा रहा है उस जगह पे आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। एक और चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दो तीन सवाल है, मतलब मैं जो पर्सनली इस दौर में जो मैंने फील किया है और जो बताना आपको चाहता हूँ कि जो कंस्टिट्यूशनल टेम्परामेंट जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है हम लोग के बीच में, उसको कैसे स्थापित कर सकते हैं, वो स्थापित करने की कोशिश किया जाए। संवैधानिक लड़ाई तो बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है ही, संविधान मतलब एक सबसे मुख्य औजार हो सकता है जिसको बच्चों के बीच में, जिस युवाओं के बीच में और हर विश्वविद्यालयों के बीच में और ख़ास करके और जहाँ पर भी हो वहाँ पर हम स्थापित कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, कहना चाहूँगा, बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।